your online class. Students, today we are going to learn about lesson 7 जो हमारा continue चल रहा है and today is our topic where we get cotton from. हमें cotton कहाँ से मिलता है? जैसे firstly इस chapter के duration में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था summer में किस type के कपड़े पहनते हैं, winter में किस type के कपड़े पहनते हैं and rainy season में हम किस type के कपड़े पहनते हैं. तो topic lesson 7 कौन सा था अपना? Clothes. जिसमें हमने क्या पढ़े थे कि समर में हम ऐसे कपड़े पहनते हैं जिससे हमें कूल फील हो, रिलीफ मिले, रिलैक्स मिले एंड जो विंटर में इस टाइप के कपड़े पहनते हैं, वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं ताकि हमें ज्यादा ठंड ना लगे एंड रेनी सीजन में रेनकोट, गम बूट्स, तो ये सब हम किसमें पहनते हैं? रेनी सीजन, जब बहुत ज्यादा बारिश आती है. तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर से रिलेटेड आपका नेक्स्ट टॉपिक है कुछ जो कपड़े आप पहनते हो वो हमें कहाँ से मिलता है. तो स्टूडेंट, वो हमें नेचर से मिलता है, प्रकृति हमें उसको देती है. तो आज हम सीखेंगे, जैसे हम कॉटन कपड़े पहनते हैं ना गर्मियों में, तो वो कैसे हमें कहाँ से मिलता है, ये आज का हमारा टॉपिक है. जैसे आप देख सकते हो टॉपिक, वेयर वी गेट कॉटन फ्रॉम, हमें कॉटन कहाँ से मिलता है. जैसे फर्स्टली आप बोर्ड पे पिक्चर देख रहे हो, आपके सामने एक प्लांट बना हुआ है, इसको अपन क्या बोलेंगे? जो प्लांट आप देख रहे हो ये किसका है? कॉटन प्लांट. इसको आप क्या बोलोगे? कॉटन प्लांट. अब इसमें कॉटन कौन सी है? ये तो इसकी लीव्स है जो आप देख रहे हो ना, ये क्या है इसमें? कॉटन. तो कॉटन किसके ऊपर लगी हुई है? प्लांट के ऊपर. तो प्लांट जो है वो नेचर से है, प्रकृति दे रही है, ना कि कोई फैक्ट्रियों में बनाया जा रहा है. तो कुछ जो जो कपड़े अपन पहनते हैं वो किससे बनता है? नेचर से बनता है. जैसे कॉटन प्लांट से हमें क्या मिलेगा? कॉटन. तो स्टूडेंट ये क्या है? यहाँ पे कॉटन है जिनसे हमें क्या मिलता है? कॉटन की स्पेलिंग आप देख सकते हो, ये कॉटन नीचे गिर जाती है तो कॉटन की स्पेलिंग देखिए, COTTON. तो ये यहाँ पे क्या है? कॉटन. तो आप कॉटन प्लांट की पिक्चर अच्छे से बनाना सीखोगे. लीव्स के ऊपर जो होती है, तो लीव्स के ऊपर क्या होती है? कॉटन होती है. तो आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया. तो ये कॉटन हमें किससे मिलता है? वी गेट कॉटन फ्रॉम द कॉटन प्लांट. हमें कॉटन किससे मिलता है? कॉटन प्लांट से मिलता है. तो फर्स्टली आप देख रहे हो, जैसे समर में आप कपड़े पहनते हो वो किससे बनते हैं? कॉटन से बनते हैं, सिल्क कपड़े पहनते हैं. जो सिल्क वर्म से मिलता है वो अपन नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे. बट जो ये कॉटन, वूल एंड सिल्क, ये हमें किससे मिलता है? नेचर से मिलता है. स्टूडेंट्स, मैं नेक्स्ट आपको ये बता रही हूँ कि ये जो कॉटन है, नीचे गिरने के बाद इसको क्या किया जाता है? साफ किया जाता है. इसके बाद इसकी आगे की प्रोसेसिंग होती है जिसे बोलेंगे स्पिनिंग, ताकि उसकी जो बुनाई होती है, इसके आगे की जो प्रोसेसिंग होती है उसे क्या बोलते हैं? स्पिनिंग बोलते हैं. तो यहाँ पे आपको ये इतना जानना है कि कॉटन हमें किससे मिलता है? कॉटन प्लांट से. और कॉटन प्लांट की पिक्चर आपके सामने दी हुई है. ये जो प्लांट है, इसकी ये लीव्स है, लीव्स के ऊपर क्या होती है? कॉटन होती है. आप ये देख रहे हो ना, तो कॉटन में आप ये जो ड्रॉइंग बनाओगे तो इसके अंदर जो ये लीव्स है इसमें तो कौन सा कलर करोगे? ग्रीन. बट ऊपर कॉटन किस कलर का होता है? व्हाइट कलर का. तो स्टूडेंट ये क्या है? ये कॉटन है. एंड जो नीचे गिर जाता है कॉटन प्लांट से, जो कॉटन नीचे गिर जाता है उससे अपन क्या बनाते हैं? कपड़े बनाते हैं, कॉटन कपड़े बनाते हैं जिन्हें अपन गर्मियों में पहनते हैं. तो आज का ये टॉपिक है आपका कि आपको कॉटन कहाँ से मिलता है. तो स्टूडेंट ये ड्राइंग आपको बनानी है और इतना आपको लर्न करना है कि आपसे मैम पूछ सकती है कि हमें कॉटन कहाँ से मिलता है, तो आप क्या बताओगे? कॉटन प्लांट से. ओके स्टूडेंट, थैंक यू.